जहां पर गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज उड़ान योजना का शुभारंभ होना है। सीएम अशोक गहलोत के हाथों द्वारा समय रखा गया है 11:30 बजे का। सीएमआर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को तैयार किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं और किशोरियों को फ्री में सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे। तो बड़ी जानकारी, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, इस उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम जिनमें लगातार सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज सीएमआर में कार्यक्रम है जहां पर उड़ान योजना को लॉन्च करने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत। और इस योजना के तहत किशोरियों को, महिलाओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 200 करोड़ की लागत से इस योजना को तैयार किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज 11:30 बजे सीएमआर में कार्यक्रम है। उड़ान योजना का आज शुभारंभ होना है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत सम्मिलित होंगे। और 200 करोड़ की योजना से महिलाओं और किशोरियों को फायदा होगा, क्योंकि इसमें फ्री में सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम अशोक गहलोत शामिल हो रहे हैं, और इसी कड़ी में आज सीएमआर में कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इसमें उड़ान योजना का शुभारंभ होना है। उड़ान योजना 200 करोड़ की लागत से तैयार की गई है, और ये महिलाओं और किशोरियों के लिए है, जिसमें फ्री में सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का लॉन्च होगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। तो अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। फतेहपुर शेखावटी में सर्दी ने सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फतेहपुर में पारा -5.2